एवरीवन, मैं से डॉक्टर सुनीता। ये जो टॉपिक है रिलेटेड टू ब्यूटीफुल स्किन के लिए क्या करना चाहिए, मुझसे इंस्टाग्राम पे किसी ने पूछा था, किसी पेशेंट ने पूछा था, तो मुझे लगा शायद इस पर प्रॉपर एक वीडियो बनना चाहिए, तो आई मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड प्लीज़ फॉलो दीज थिंग्स। ये वीडियो जो मैं बनाती हूँ ये आपकी सहूलियत के लिए बनाई जाती है, ताकि आप इनको फॉलो करें और इनको अपनी लाइफ में उतारें, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक क्योर हो सके। ठीक है, द फर्स्ट वन थिंग इज़ हाइड्रेटेड, स्टे हाइड्रेटेड, जितना हो सके पानी पीजिए। पानी पीने से हमारे अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन होता है, सारे गंदगी बाहर निकलता है विद द हेल्प ऑफ यूरिन एंड डेफिकेशन प्रोसेस, यानी कि स्टूल्स के थ्रू, और जिससे हमारी जो है अंदर से क्लिनजिंग होती है। सेकेंड होता है ईट गुड कुक होम कुक फूड, घर का बना हुआ खाना खाइए, बाहर का जंकी खाना नहीं खाना है। अभी तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, तो डेफिनेटली घर का ही खाना खा रहे होंगे आप। इसी हैबिट को लॉन्ग टर्म में चलाइए और होम कुक फूड ही खाइए। ठीक है, यूज़ करेक्ट प्रोडक्ट्स अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली। आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, अकॉर्डिंगली दैट आप जो है करेक्ट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी स्किन पे कौन से प्रोडक्ट एक्चुअली में काम करेंगे, तो आपको डेफिनेटली फिर डॉक्टर की हेल्प लेके अपने प्रोडक्ट्स चूज़ करने चाहिए, उन्हीं को लॉन्ग टर्म में यूज़ करना चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट्स आपको बिल्कुल प्रॉपर रिजल्ट दे रहे हैं, तो उनको चेंज मत कीजिए किसी के भी कहने पर, उन्हीं को लॉन्ग टर्म में यूज़ कीजिए। दैट रियली हेल्प यू, जो कि आपको स्किन की प्रॉब्लम से दूर रखेंगे। ठीक है, अगर आपको किस तरीके का फेस प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आप कंसल्ट कीजिए डॉक्टर को, डॉक्टर की हेल्प लीजिए अपने ब्लेमिशेस, एक्ने, पिंपल, फ्रैकल्स की प्रॉब्लम के लिए, हाइपरपिगमेंटेशन इश्यूज है या वाइट पैचेस हो गए हैं, तो डेफिनेटली डॉक्टर की हेल्प लीजिए, ये क्योर हो जाती है चीज़ें, कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। डोंट ओवर स्ट्रेस यूर सेल्फ, आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, इम्बेलेंस करेंगे हॉर्मोन्स को, उतना ज़्यादा एक्ने एंड पिंपल का इश्यूज़ आपकी बॉडी में होगा। तो जितना हो सके अलॉन्ग विद ट्रीटमेंट प्राणायाम और योगा, या फिर फेस एक्सरसाइजेज, या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ मेडिटेशंस होती हैं, आप उनको करते रहें साइड टू साइड, ताकि आपके हॉर्मोन्स बैलेंस रहे और ट्रीटमेंट के थ्रू आपके जो और बाकी प्रॉब्लम है स्किन की वो ठीक होती जाए। ठीक है, अपना मेडिटेशन कीजिए डेली बेसिस पे। फेस के लिए भी मेडिटेशन होता है, पूरी बॉडी के लिए भी मेडिटेशन होता है, तो एक जो हैबिट है अपनी ज़िंदगी में उतारिए, एटलीस्ट 30 मिनट्स अपने आपको दीजिए और उसको मेडिटेशन के लिए दीजिए, और उस मेडिटेशन में अपने स्ट्रेस को जितना हो सके कम करने की कोशिश कीजिए। डू योगा एक्सरसाइजेज फॉर फेस, फेस के लिए कुछ योगा एक्सरसाइज होती हैं जो कि आपके फेस के शेप को ठीक करती हैं, प्लस आपकी स्किन जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इंक्रीज और एनहांस करती हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अपने फेस पर मसाज कीजिए। ठीक है, अपने फेस पर मसाज कीजिए सर्कुलर मोशन से, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा और इससे क्या है आई चमक और ग्लोइंग और ग्लॉसी स्किन होगी आपकी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। 15 मिनट्स करना होता है पूरे दिन में एक बार, 50 वो आप जितना चाहे जितना इंक्रीज कर सकते हो, बट अपनी स्किन के लिए, क्योंकि हमारी जो फेस की स्किन होती है थोड़ी सी लाइटर होती है कंपेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स, तो इसके लिए हमें इसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। 15 मिनट्स मसाज करना इट्स इनफ। आप मसाजर ले सकते हैं, या आप रोज़ क्वार्ट्स के मसाजर होते हैं, दैट इज़ वेरी गुड एंड इफेक्टिव, मेरे पास है और मैं यूज़ भी करती हूँ अपने पेशेंट पे, तो आप ये ले सकते हो अपने पेशेंट को के ऊपर यूज़ कर खुद पे यूज़ कर सकते हो, तो आपको आपकी स्किन काफ़ी हद तक साफ रहेगी और क्लियर रहेगी। ठीक है, सनस्क्रीन इज, मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में बोला कि सनस्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। सनस्क्रीन जो है ज़रूर 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 अप्लाई कीजिए, अपने साथ हमेशा कैरी कीजिए, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझसे कोई एक प्रोडक्ट पूछे कि मैम वो मेकअप प्रोडक्ट कौन सा है जो हमें हमेशा अपने साथ कैरी करना चाहिए, तो वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, अदरवाइज आपकी स्किन जो है वो टैंड होगी या फिर ख़राब हो जाएगी लॉन्ग टर्म में, या फिर ब्लैमिशेज या फ्रैकल्स का इशू हो जाएगा, या फिर अनटोन स्किन हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए आप शुरू से ही, जैसे ही आप यंगर होते हैं, अपने बाहर निकलना शुरू करते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, एट दैट टाइम यू हैव टू ऑल्सो अप्लाई सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन आपको बहुत यंगर एज से शुरू कर देनी चाहिए लगाने के लिए। ठीक है, अगर आप नहीं लगाते हैं तो डेफिनेटली लगाना शुरू कर दीजिए। 30+ जो SPF वाले जो हमारे सनस्क्रीन होते हैं बेस्ट होते हैं इंडिया के लिए, इंडिया की जो सनलाइट है उसके हिसाब से 30 के ऊपर अगर आप SPF वाला सनस्क्रीन लेंगे तो वो बेस्ट है। ठीक है, सनबर्न ज़रूर लें मॉर्निंग में, 30-45 मिनट अपने आप को हल्के कपड़े पहन के एक्सपोज कीजिए सन के सामने, दैट ऑल्सो हेल्प यू टू ओपन योर पोर्स, और जितनी गंदगी है उसको बाहर निकालते हैं, जब नहाते हैं आप तो वो सारी गंदगी बाहर निकलती है। ओपन पोर्स में हेल्प करता है, आपकी स्किन को ग्लो करने में हेल्प करता है, मसल क्रैम्स को कम करने में हेल्प करता है, विटामिन डी मिलता है, तो बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। तो सनबर्न ज़रूर लीजिए, आपकी स्किन और अपने फेस को एक्सपोज कीजिए सन के सामने, जो मध्यम धूप होती है मॉर्निंग की, बहुत हार्श धूप के सामने आपको नहीं बैठना है।
ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट ब्यूटीफुल स्किन के लिए क्या करें, मैंने एक वीडियो आपके लिए बना दी है। आई होप ये सब चीज़ें आप करें और इससे आपको फ़ायदा हो। अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम हो गया है स्किन के ऊपर तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट लेने से मत हिचकिचाएं, ट्रीटमेंट लें और अपनी स्किन को और ब्यूटीफुल और एनहांस बनाएं, ठीक है। या दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्प्रेड दिस वीडियो विद अदर्स। बाय, टेक केयर।